ब्याज भर्ती का आवेदन प्रक्रिया के साथ साथ बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं। उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल है कि 1 से लेकर 5 तक पीआरटी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस आधार पर फॉर्म भरे जाएंगे। अभी तक पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है, मतलब अभी तक जो वेबसाइट पर जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उस फॉर्म में अपडेट नहीं हुआ है और फॉर्म भरने की तिथि भी नजदीक आ चुकी है। क्या परीक्षा के तिथि में बदलाव हो सकता है? और साथ ही साथ और बहुत सारे सवाल हैं कि किनको किनको मौका मिलेगा, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जी हाँ, सीटेट अपेरिंग को क्या अब मौका मिल सकता है? फॉर्म भरने के डेट अभी देखा जाए तो 2 दिन और बचे हैं, क्या अब इसमें सीटेट के जो अपेयरिंग है उनको किस तरह से मौका मिलेगा, मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा? साथ ही सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकेंड की इसमें क्या क्या भूमिका होने वाली है, क्योंकि जब पीआरटी में फॉर्म भरा जाएगा, पीआरटी के लिए सीट डिक्लेयर हो चुका है, तब उसके लिए सीटेट पेपर फर्स्ट पास होना अनिवार्य है और इसके लिए केवल केवल बीटीसी के या डीएलएड के अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। सीटेट पेपर टू की अगर हम बात करें तो जो 6 से लेकर 8 तक आवेदन करना है उसमें बीटीसी और बीएड के अभ्यर्थी या डीएलएड के अभ्यर्थी सभी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये कहा गया कि सीटेट पास होना चाहिए। अपेयरिंग के लिए कोई भी कॉलम नहीं है, अब उस पर क्या है इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर ढेर सारे सवाल थे, अब ये भी सवाल चर्चा है कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो था उसमें भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा था एसएसटी के लिए आपको कोई 2 विषय दिए गए विषयों में से अगर 2 विषय आपने किया है, पढ़ा है ग्रेजुएशन द्वारा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे एसएसटी से। या अगर हम मैथ साइंस की बात करें, गणित विज्ञान की बात करें, उसमें से भी अगर आप दिए गए सब्जेक्ट में से अगर 2 विषय ही आपके हैं ग्रेजुएशन में, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। और खासकर उसमें 6 से 8 तक वाले में अगर देखा जाए तो जो बीटेक के अभ्यर्थी थे, ध्यान दीजिएगा, जो 6 से 8 वाले वर्ग में बीसीए जो इन्होंने किया था या जो अभ्यर्थी बीटेक किए थे अभी तक उनको मौका नहीं था, उनको भी मौका मिल सकता है 6 से लेकर 8 तक में, इस पर भी बात चल रही है। जी हाँ, अगर ये सारी चीजें बदलाव होंगी, क्या अपडेट होगा फिर से पोर्टल, क्या परीक्षा की तिथि बदल सकती है, क्या आवेदन करने की तिथि में भी बदलाव हो सकता है? और उससे भी बड़ी बात, सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर की जो समस्या आ रही है उसकी जगह आप अगर एनए लिख दिए कुछ लोग तो भी दिक्कत नहीं, यहाँ पर मार्कशीट का नंबर भी लिखा जा सकता है, अगर एनए लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोगों ने एनए लिख दिया है, और अगर आपने एनए की जगह आप अगर किसी तरह से आप सभी अभ्यर्थियों ने वहाँ पे मार्कशीट नंबर डाल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा तिथि में बदलाव हो सकता है या फॉर्म भरने की तिथि में कोई परिवर्तन हो सकता है कि नहीं, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। साथ ही साथ अदर स्टेट को अगर हम 1 से लेकर 5 तक की बात करें तो अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की क्या भूमिका होने वाली है? फीमेल सीटेट के मार्क्स को लेकर बहुत बार सवाल आ रहा है। देखिए, फीमेल सीटेट की अगर हम नंबर की बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी हुई उस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सामान्य महिला को सीटेट या बीटेट पेपर फर्स्ट या सेकंड जिसकी योग्यता के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसमें उनके 55% मार्क माने 82 नंबर होने चाहिए। अगर आपके हैं तो आवेदन कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सर वहां बाहर कर देंगे, तो विज्ञप्ति के हिसाब से तो फॉर्म भर सकते हैं, विज्ञप्ति के हिसाब से काउंसलिंग करा सकते हैं, विज्ञप्ति के हिसाब से नौकरी कर सकते हैं। अब कल को क्या होगा ये मुझे नहीं पता, कई लोग इस पर बार बार कॉल करके मैसेज करके व्हाट्सएप पे लर्निंग विद दुर्गेश की कई तरह से सवाल पूछ रहे हैं, तो उनको एकदम स्पष्ट मैं बता दूं कि अगर उसमें विज्ञप्ति में लिखा अगर आपको लगता है फॉर्म भर के नौकरी कर सकते हैं तो आप फॉर्म भरिए, खुद के रिस्क को भरिए और लाइफ रिस्क जरूर लीजिएगा। अगर ऐसे आप अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। परीक्षा दी मेरी व्यक्तिगत सलाह है, बाकी आप मानो ना मानो आपके ऊपर डिपेंड करता। दूसरा यहाँ पर है उम्र सीमा में छूट। जी हाँ, उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो अगर यस्टेट पेपर फर्स्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो जो यस्टेट पेपर फर्स्ट और सेकंड है उसमें उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इसमें भी आप जो भी उम्र सीमा 4 से लेकर 10 साल तक उम्र सीमा में छूट दिया गया है उस छूट को कॉलम आपको भरना होगा, विषय के साथ दिया गया होगा और आप उम्र सीमा में छूट की लाभ ले सकते हैं। फॉर्म भरते समय कोई गलती मत करेगा, ध्यान रहे क्योंकि अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देंगे दोबारा एडिट का मौका नहीं मिलेगा, आगे चलकर कोई समस्या होगी। कुछ लोग कह रहे हैं सर मार्कशीट में अगर कोई त्रुटि है, छोटी मोटी अगर गलती है उसके लिए क्या होगा? छोटी मोटी गलती है तो उसके लिए परेशान नहीं होना, उसके लिए एफिडेविट का प्रयोग किया जा सकता है, ये नहीं कि उसके लिए हम फॉर्म ही ना भरे। कुछ लोग कह रहे हैं सर हम फॉर्म नहीं भर देंगे, मेरा ये त्रुटि है। ठीक है, आप हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से अपना फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद जब डीवी होगा आपको तो वहाँ पर जो थोड़ी मोटी त्रुटि होगी उसके लिए आप एफिडेविट का प्रयोग कर सकते हैं। फर्क इतना होता है कि एफिडेविट जो बनेगा अगर बिहार सरकार बिहार में अगर आप नौकरी करने जा रहे हैं तो बिहार के एफिडेविट होगा, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं होगा। मतलब आप ऐसा से मैं अगर जौनपुर से बात करता हूं, अगर मैं जौनपुर से हूं तो मैं जौनपुर की एफिडेविट यूज नहीं करूंगा, वहां पे ले जाके हम बिहार का ही एफिडेविट बनेगा, मतलब वहाँ के जो नज़दीकी कलेक्ट्रेट या कचहरी जो होगी वहाँ से आप बनवाना होगा आपको, क्योंकि उस पर लिखा जाता है ना पीछे नाम वगैरह कहाँ से लिए, मोहर लगती है, इसलिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बस यही समस्या हो सकती है और कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। उसके अलावा मैं फिर से इन सभी टॉपिक पर बात करता हूँ। पीआरटी में भी
सीट अभी और बढ़ने की, मैं वीडियो में पीछे बताया था कुछ लोगों ने नहीं, मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि पीआरटी मौका मिलेगा, पीआरटी के लिए ही भर्ती जरूर आएगी, पर अंत में देखिए भाई वो आप पीछे वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चीजें मैं एकदम फैक्ट आपको बताता हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य आपके सिलेक्शन से और मैं चाहता हूँ आपका हर हाल में सिलेक्शन हो। तो पीआरटी में भी फॉर्म भरने के लिए पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, जैसे जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब हो सकता है उसके बाद आपको अपडेट मिल जाए। तो पोर्टल में मौका मिलने वाला है कि 1 से लेकर 5 तक वाले आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं इसमें और सामान्य अभ्यर्थी, क्योंकि आप कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं पीएच हूँ मैं ये हूँ, आप देखिए कोई भी हो या ईडब्ल्यूएस हो, अगर आप बिहार राज्य में जाएंगे तो वहाँ की परीक्षा के लिए आप सामान्य बनकर जाएंगे, मैंने वहाँ का जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आप सामान्य काउंट होंगे। इसलिए ध्यान रहे कि पीआरटी का फॉर्म अभी अपडेट हो जाएगा पोर्टल, उसके बाद आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं 1 से लेकर 5 तक। अगर उसके लिए सीटेट पेपर फर्स्ट आपके पास पास होना अनिवार्य, अगर आप सीटेट पेपर फर्स्ट पास हो बीटीसी डीएलएड है, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 5 तक में बीएड को मौका नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बीएड के अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। एकदम साफ एकदम स्पष्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में किसी प्रकार का कोई संशय ना रह जाए, क्योंकि अगर आपके मन में संशय रह जाएगा ना तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीजें समस्या क्रिएट कर देंगी। इसलिए मैं बार बार आपसे कहूंगा चीजों को ध्यान समझ, जो ना समझे वीडियो में कॉमेंट करें, कॉल करके मत पूछा, कॉल करने में क्या होता है इलेवन पर जो ऑफिस का नंबर है वो आपके नोट्स के लिए है या अन्य के लिए, अब वहाँ पर लोग आप इसकी जानकारी लेना शुरू करते हैं। आप जो भी समस्या आपकी हो, व्यक्तिगत कोई समस्या वीडियो में सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, या इलेवन पर इंस्टाग्राम पर सवाल पूछे, व्हाट्सएप सवाल पूछने से बचिएगा। दूसरी चीज एकदम मैंने स्पष्ट बता दिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एकदम स्पष्ट जान लीजिएगा कि जो 6 से लेकर 8 तक में जो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को लेकर समस्या आ रही है उसमें भी आपको निजात मिलने वाली, उस पर भी आयोग बैठक कर रही है। दीपावली की वजह से थोड़ी समस्या थी लेकिन अब मतलब त्यौहार था, त्यौहार समाप्त हो चुका है और आप सबकी दीपावली अच्छे से मन गई है। अब आपको यह भी हो सकता है आपके हित में, अभ्यर्थी हित में यह भी फैसला आ जाएगा, अगर ग्रेजुएशन में दिए गए सब्जेक्ट में से अगर एक विषय भी आपने पढ़ा आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसकी समस्या जाती है क्योंकि फॉर्म जो भरने की उम्मीद थी वो हिसाब से संख्या नहीं है, मतलब ये उम्मीद लगाई थी कि 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे बीपीएससी मतलब 5 से 10 लाख, और अभी तक 2 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन हुए, और पेमेंट की बात करें तो 1,80,000 ऐसे हैं जो फुल मतलब पूरी तरह से पेमेंट हुए हैं, और उम्मीद लगाई जा रही थी कि 6 लाख अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस बिहार शिक्षक भर्ती 1,20,000 जो भव्य भर्ती होने जा रही है उसमें वो हिस्सा लेंगे, 6 से 7 लाख अभ्यर्थी, 1 सीट पर 5 से 6 दावेदार होंगे। ऐसी स्थिति न होने वजह से बिहार सरकार सीटेट अपेयरिंग को भी मौका दे सकती है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा ढील बरस सकती है, मतलब ग्रेजुएशन में अगर कोई एक विषय भी दिए गए विषय में से है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी। एक सवाल और आ रहा है सबसे ज्यादा 6 से लेकर 8 तक वाले में, सर 6 से 8 तक वर्ग के जो विषय में ग्रेजुएशन पढ़ाऊँ क्या वही सवाल आएगा? जी नहीं, वो 6 से 8 तक के लिए अगर एसएसटी का पेपर सभी के लिए कॉमन होगा, साइंस का विज्ञान का मतलब विज्ञान गणित के लिए सभी के लिए कॉमन होगा, लैंग्वेज के लिए सभी के लिए कॉमन होगा, माने वह पेपर चाहे आपने वो विषय पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो फिर भी उस अगर जो पेपर होगा उस वर्ग से अगर आपको आते हैं, जैसे एसएसटी लिया आपने, अगर किसी ने समाजशास्त्र पढ़ लिया दर्शनशास्त्र पढ़ लिया एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, या भूगोल पढ़ लिया उसमें समाजशास्त्र पढ़ लिया है, ठीक अब दो विषय आपने पढ़ा है उसमें सब जो एसएसटी का पैटर्न है उसमें ज्योग्राफी इकोनॉमी है पॉलिटिक्स सिविक्स है, मैंने 4 सब्जेक्ट से ही प्रश्न आने, आप चाहे उस विषय को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, इसलिए मैंने एसएसटी का जो भी अभ्यर्थी होगा उस विषय वर्ग का पेपर को उसे हल करना पड़ेगा। तो ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, यही 6 से 8 में भी अप्लाई होती है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, 9 से 10 वाले में अप्लाई होती है उस पर मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। दूसरी बात, सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर को लेकर बार बार इशू आ रहा था उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया, परीक्षा तिथि में भी बदलाव होने के आसार दिख रहे हैं, मैंने फॉर्म भरने की तिथि में बदलाव हो सकता है और साथ ही साथ परीक्षा तिथि जो 7 से 10 दिसंबर रखी गई उसमें भी आगे पीछे हो सकता है। अभी तक मान लीजिए बीपीएससी अड़ी गए तो ये मानकर भी चलना है कि परीक्षा 7 से 10 को ही होगी, बेशक फॉर्म भरने की तिथि बढ़ जाए क्योंकि जल्दी परीक्षा होगी तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, तैयारी अच्छी होने के साथ साथ आपके लिए समस्या आ रही है कि आपके पास समय कम है, हम आपके लिए कुछ मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं जो कम समय में मतलब एक बार में बैठ के एक विषय पूरा खत्म, उसके भी बात बता रहा हूँ, पूरी मैराथन सीरीज में लेकर आ रहा हूँ। खासकर अगर आपको जैसे कॉमन पेपर के लिए एनसीईआरटी के नोट्स अगर लेने में दुर्गेश पर चाहिए वो भी आपके लिए उपलब्ध है, आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर जाकर ले सकते हैं, इस समय कम समय में आपकी जो बेहतर तैयारी करने के लिए यहाँ से आप सभी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। मेरी क्लासेज है जो निःशुल्क आपके लिए देशित में राष्ट्रित में चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो जो पूरे नोट्स हैं वो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएंगे, वो नोट्स अब 3 घंटे में आपको जैसे जो भाषा है आपकी सभी के लिए कॉमन है क्वालिफाई है भाषा की भी नोट्स आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल जीएचजी के लिए जैसे 9-10 के लिए 11-12 के लिए पीआरटी के लिए या 6-8 के लिए, अगर आप जीएचजी के लेते हैं जीएस जी के वाली सीरीज लेते हैं, मैंने 40 अंक वाला ये 40 अंक लिख दूंगा तो आपको शायद समझ जल्दी आ जाएगा, ये 30 अंक का ये 30 अंक वाला ठीक, और साथ ही साथ आपका जो विषय है जो आपका सब्जेक्ट है मतलब 80 अंक का
इनकी आप चाहें तो अलग अलग या इनकी कंप्लीट नोट्स ई-लर्निंग में दुर्गेश उपलब्ध है। ये पूरी नोट्स जो है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर है। एनसीईआरटी के साथ साथ इसमें मिली जुली जो चीज़ें हैं वह सीआरटी से भी ली गई हैं, क्योंकि एनसीआरटी इसमें ध्यान रहे एनसीआरटी और सीआरटी में ओल्ड और न्यू दोनों हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ओल्ड एनसीआरटी भी है प्लस यहाँ पर न्यू एनसीआरटी, ये दोनों एनसीआरटी यहाँ पर आपके लिए हैं। एससीआरटी भी कुछ चैप्टर्स ऐसे छोड़ गए थे उसे भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया। एक बड़ी बात यह है कि टेलीग्राम पर आप लोग नहीं जुड़े हैं क्योंकि कोई क्लास होती है, कोई नोटिफिकेशन होती है, कोई सूचना होती है, एक ही जगह आपको नहीं मिल पाती। उसके लिए मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि ये चीज़ ध्यान रहे, आप टेलीग्राम पर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। जब ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ेंगे टेलीग्राम पर तो सारी चीजें आपको जगह मिल जाएंगी। समय कम है, तैयारी आपको करनी है कम समय बेहतर तैयारी करने के लिए। अगर किसी क्लास पढ़ रहे हैं मेरी बात समझिएगा, मैं जो अभ्यर्थी आपको यह मैं समझा रहा हूं, तो एक क्लास एक डेढ़ घंटे में होती है और एक डेढ़ घंटे में एक टॉपिक खत्म होती है, तो एक मैं भी पढ़ाता हूं और आप भी पढ़ते हैं, अब आपके पास लगभग 25 दिन बचे। इस 25 दिन में अगर आप चाहें एक दिन में एक टॉपिक पढ़ें और आप सिलेक्शन ले लें, यह मुश्किल है। आपको मैराथन जरूर पड़ी, मैराथन का मतलब एक बार बैठे एक विषय खत्म। हम आपके लिए कुछ मैराथन क्लास लेकर, जैसे ज्योग्राफी ले रहे हैं, ज्योग्राफी कल होगी मैराथन 11 बजे, अगर 11 बजे अगर मैराथन आपकी शुरू होगी 11 बजे तो वो 12 घंटे की मैराथन है, माने 20 घंटे में भारत और विश्व का भूगोल है, माने 12 घंटे में पूरी इकोनॉमिक्स खत्म, पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। अब वो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा, वो ज्योग्राफी जीएसजीके के लिए, माने चाहे प्राइमरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप जूनियर के लिए भर रहे हैं, चाहे आप 9-10 के लिए, चाहे 11-12 किसी के लिए भर रहे हैं, 6 से लेकर 8 तक का जो प्रश्न बैंक की सीरीज है वो आपको मिल जाएगा। मतलब उस सीरीज में प्रश्न के साथ साथ उसकी विस्तृत व्याख्या आपको मिल जाएगी, माने कि एक साथ आपकी थ्योरी और एमसीक्यू दोनों तैयार हो जाएगी। उस वीडियो को देखने के साथ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो 12 घंटे की वीडियो को आप अगर 24 घंटे में देखते हैं तो 24 घंटे में भारतीय भूगोल से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, 90% सवालों जवाब सही दे पाएंगे। वो बीपीएससी के लेवल के हिसाब से प्रश्न बैंक तैयार किया गया है। दूसरा, भारत की भूगोल विश्व भूगोल है, 8-9 घंटे में विश्व भूगोल एकदम पूरा समय, ये रिकॉर्डेड क्लास होगी जो आपको एक बार में ही मिल जाएगी। दूसरी चीज हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री 20 घंटे में, सबसे ज्यादा 12 घंटे की मॉडर्न इंडिया है जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट है माने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और मॉडर्न इंडिया है, 20 घंटे में मतलब 12 घंटे की होगी हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत की बात करें 8 घंटे की होगी और प्राचीन इतिहास भी 8 घंटे की होगी, माने जीएसजीके में इतिहास भी पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है और तीनों इतिहास, तो तीनों इतिहास आप जीएसजीके में वाले पढ़ सकते हैं। साथ ही जो असिस्टेंट सब्जेक्ट जिनका है उनके लिए भी भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स, संविधान पूरी कंप्लीट 10-12 घंटे में कंप्लीट संविधान, तो एक एक वीडियो माने एक यूं कह सकते हैं कि 5 दिन में या एक हफ्ता आपको लगेगा उसको पढ़ने में, एक हफ्ता में ये पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। उसके बाद खुद से ये देखिएगा क्या क्या आपको वीक लग रहा है, मैंने कहाँ कहाँ आप नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपको आसान लग रहा है उस पर फोकस करिए, जो आपको वीक लग रहा है उसे स्ट्रांग करिए, जो आपका स्ट्रांग है उसे रिवीजन करिए। अब उसके साथ साथ करंट पे थोड़ा फोकस करिए, करंट का बहुत रोल नहीं होने वाला है, बीपीएससी है, बिहार स्पेशल बहुत प्रश्न नहीं आते लेकिन फिर भी पढ़ना है, फिर बीपीएससी पढ़ लीजिए, तो बीपीएससी की मतलब बिहार जीके की भी मैराथन आ जाएगी, करंट की भी मैराथन आ जाएगी। मतलब हम आपके लिए जो दादा वीडियो लेकर आ रहे हैं ये वीडियो मेरी तरफ से पूरी निःशुल्क रिकॉर्डेड वीडियो होगी और इस वीडियो में हमारा एकमात्र उद्देश्य होगा कि एक बार में एक विषय पूरा खत्म, जी हाँ पूरा सब्जेक्ट खत्म। वैसे भी कोई भी विषय अपने आप में महासागर होता है, कितनी भी गहराई तक जाएंगे फिर वो डूबते ही रह जाएंगे, फिर भी आपके सिलेबस के आधार पर वो पूरा तैयार किया गया है। हो सकता है कि वहां से सारे प्रश्न आ जाए, हो सकता है वहां कुछ 4-10 प्रश्न नहीं आए, लेकिन हर एक प्रश्न की महत्ता आपके साथ बढ़ जाएगी। एक बार में एक ही समय में पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और वह जीएसजी के जैसे जो हो सकता है 6-8 तक के लिए तैयारी कर रहा हो, 1-5 तक के लिए तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 9-10-11 सबको जीएसजी के वाली जो सीरीज है सबको पढ़नी पड़ेगी। उसमें इतिहास, भूगोल, क्योंकि पूरा जीएस आपको पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब करंट अवेयरनेस और बिहार स्पेशल, ये आपको सभी लोग को पढ़ना है, चाहे वो 1-5 तक की तैयारी कर रहा हो, चाहे 9-10 की तैयारी, चाहे 6-8 तक किसी वर्ग के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो आपका विषय जैसे एसएसटी की तैयारी करने वाले के लिए ज्योग्राफी आपके काम आ जाएगी, हिस्ट्री काम आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन आपके काम आ जाएगी, ठीक, इकोनॉमिक्स आपके काम आ जाएगी, सामान्य विज्ञान जो सीरीज पढ़ा रहे हैं वो सामान्य विज्ञान इसमें भी आपके आएगा जीएसजी के 40 नंबर में, और फिर
विज्ञान गणित में भी आएगा, तो इसके साथ फिर गणित की मैराथन आएगी। गणित की मैराथन लगभग 50 घंटे की होगी, माने 12-12 घंटे की चार वीडियो आपके लिए बनेगी, तब जाकर वो मैराथन खत्म होगी। माने एक एक टॉपिक की 6-7 घंटे की वीडियो होगी। तो जो गणित विज्ञान है, इस तरह से हम कम समय में ज्यादा तैयारी कर पाएंगे और आपको रिविजन का मौका मिलेगा। जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे कहीं कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता, केवल केवल अपने पर भरोसा रखना होगा। ये चीजें रिविजन करने के लिए हैं, ऑथेंटिक चीजें आपको मिल जाएंगी, कम समय ज्यादा मैटर आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं ये मैराथन ला रहा हूं। इस मैराथन की जो पूरी लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। ये पूरी तरह से मेरी निशुल्क क्लासेज होती है, यहां भी रहेगी, आप टेलीग्राम पर जुड़े रहेगा दुर्गेश सर सर्च करके, एलर्निंग विद दुर्गेश से। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पर सारी क्लासेज रहेंगी, ये वीडियो कहीं भी आप जाके देख सकते हैं। सबसे बड़ी साथ इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबके बहुत सारे सवाल थे, इन सभी के सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर आपके अंतरात्मा कहे लाइक नहीं कर रहे तो शेयर करिएगा, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच जाए, वो अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अगर अभ्यर्थी चक्रवर्ती जुड़ा कोई सवाल है तो कॉल मत किया करिए, सवालों को लेकर आप कमेंट किया करिए, ताकि टीम में कोई भी आपको जवाब दे देगा जो भी इसको आपके कमेंट को पढ़ेगा। लेकिन कॉल उठाने वाला कोई एक व्यक्ति होता है, कई बार लोग नोट्स के लिए कॉल करते हैं और इतना ज्यादा कॉल लेते होंगे, कॉल नहीं उठ पाता, कॉल बैक नहीं हो पाता, वो भी इंसान है। या तो व्हाट्सएप क्या करिए, दूसरी चीज आप कमेंट किया करिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट कर दीजिए, तो उसका जवाब कोई भी जो भी देख रहा है उसका आप जवाब दे पाएगा। दूसरी चीज ये है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से अगर नहीं जुड़े तो वहां भी जुड़ सकते हैं, इलेनी में दुर्गेश ऑफिस का नंबर है, यहां अपनी समस्या पूछ सकते हैं, अगर फ्री रहेंगे तो आपको उसका जवाब दे देंगे, इस नंबर पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी आपका कोई सवाल कोई फीडबैक हो तो कमेंट करेगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ईश्वर करे आपका सिलेक्शन जरूर हो, आप बेस्ट और बेहतर कर रहे हैं। और एनसीईआरटी एसईईआरटी को फोकस करके प्रैक्टिस सेट ज्यादा ज्यादा लीजिए, मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊं कौन सा प्रैक्टिस सेट बेस्ट है, हम उसकी कंपेयर कर देंगे। और साथ ही साथ आपकी तैयारी कहां तक हुई है उसके लिए एक टेस्ट होगा ना, जरूरी है। इसके लिए एनसीईआरटी की सीरीज जो है, एनसीईआरटी की रिवीजन सीरीज आपके लिए हम ला रहे हैं, और रिवीजन सीरीज पूरी मैराथन होगी और 12-12 घंटे की होगी, मैंने एक विषय की पूरी क्लास खत्म, जैसे हिस्ट्री पूरी हिस्ट्री समाप्त, हर एक टॉपिक से होगा, मतलब जहां जहां से जिन जिन टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं उन उन टॉपिकों को हम ज्यादा पढ़ेंगे, जिन टॉपिकों से कम सवाल आने के समान है उस टॉपिक को कम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे सारे टॉपिक, मतलब आपके सिलेबस को पूरा टच करेंगे। और यह एक दादा वीडियो होगी, या पापा वीडियो कह लीजिए, अंकल वीडियो कह लीजिए, या सिलेक्शन वाली वीडियो कह लीजिए, यह एक मैराथन की अद्भुत क्लास होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। कितने ऐसे लोग हैं जो इस क्लास के लिए तैयार है, कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं। लेकिन वीडियो को शेयर करिएगा, इससे जुड़ा अगर कोई सवाल आपके मन में फिर से पूछेगा मैं आपको कमेंट सेक्शन जवाब दे दूंगा। याद रहे सीट रिपेयरिंग को मौका मिलने के संभावना, क्योंकि फॉर्म कम भरे गए, फॉर्म रजिस्ट्रेशन हुए और पेमेंट नहीं हो पाए। दोबारा यहाँ पर ध्यान रहे, आपको मैं कुछ चीज़ें कॉमन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए बीपीएससी की जो 2.0 या 2.0 या यू कह सकते हैं फेज 2 की जो भर्ती होने जा रही है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण है कि जो उम्र सीमा में छूट है, वो उम्र सीमा जो छूट है वो 4 से लेकर 10 सालों तक है, और उसमें उस विषय के आधार पर उम्र सीमा छूट दी गई रहती है। फॉर्म भरते समय आपको भी टिक करना है आप उम्र सीमा में छूट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अखिलेश जी ने हमको भेजा था, अखिलेश कुमार सिंगा जौनपुर के, उन्हीं के है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। साथ ही साथ 1 से लेकर 5 तक के लिए अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन जल्द ही फॉर्म भरा जाएगा और उसकी जो वेबसाइट अपडेट उसी वेबसाइट पे भरा जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक। क्योंकि अपडेट इसलिए होगा, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो एक ही रजिस्ट्रेशन में आप दोनों, जैसे 1 से लेकर 5, 6 से लेकर 8, 9, 10, 11 कुछ लोग ऐसे हैं जो चारों भरना चाहते हैं, उनके या केवल जैसे बीटीसी है तो 1 से लेकर 5 तक ही भरना चाहता है और 6 से लेकर 8 तक ही, तो फिर से उनके लिए वहाँ पर मौका मिल सकता है। इसलिए घबराए नहीं कि उन्होंने फॉर्म भर लिया है या फॉर्म नहीं भरा है, और तय तिथि से पहले फॉर्म भर लीजिएगा, डेट बढ़ने की संभावना है, बढ़ भी सकती नहीं बढ़ सकती, बढ़ने की संभावना ऐसा अंतरात्मा कहती है, लेकिन आप नाम मान के चलेगा कि डेट नहीं बढ़ेगी ना परीक्षा की तिथि बढ़ेगी। एक बात बार आ रहा है कि परीक्षा की तय तिथि होगी, अभी तक तो यही 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा हो जाएगी। सप्लीमेंट्री टीआरआई का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट शिक्षा विभाग द्वारा रिक्ते भेजाने के बाद जारी किया जाएगा, हाँ ये भी कहा जा सकता है, एडिट का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए फॉर्म को जांच परख कर भरिएगा, ठीक है। कुछ गलत भरा गया तो कैंसिल करके फिर से फॉर्म भर लीजिए, आप लोग कर कुछ गलत भरा गया हो। अगर सीटेट सर्टिफिकेट नंबर की समस्या है तो उसकी जगह मार्कशीट नंबर भर सकते हैं। बीटेक और बीसीए के लेकर जो समस्या थी मैंने आपको बता दिया, इनको भी मौका मिल सकता है, इसलिए घबराए नहीं, धैर्य रखें। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी छूट मिल सकती है, यहाँ पे मैंने बताया क्योंकि मैंने शुरू से वीडियो में बताया, आगे भी हो सकता है, ठीक। इसलिए जितने भी लोग हैं विचार विमर्श हो रहा है और आपके लिए कुछ बेहतर और बड़ा होगा, अपनी तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि तैयारी एक दिन में नहीं होती, ये सतत रूप से आपको लगातार मेहनत करते रहना होगा।
मैं उम्मीद करता हूं आपको उज्ज्वल भविष्य के लिए। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मेरी शुभकामना आपके साथ है। ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स आप ले सकते हैं, आपके बहुत काम आ सकते हैं। कम समय में ज्यादातर, क्योंकि आप कम समय में किसी क्लास एक टॉपिक पढ़ सकते हैं कि नोट्स अगर पढ़ना होगा एक से डेढ़ घंटे में आप आधी किताब खत्म कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नोट्स उपलब्ध हैं, एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट है, साथ में इसके भी नोट्स हैं, कोई भी नोट्स। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं सर मुझे केवल भाषा का चाहिए, क्या ले सकते हैं? और फ्री में ई-लर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम पर, वहाँ से भी नोट्स आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट की सीरीज आ रही है, वो भी आपको निःशुल्क मिल जाएगी ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे। बाकी ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप भी है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके भी कोई सवाल होंगे तो वीडियो में कमेंट छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कई बार आपको लग रहा है कुछ बातें रिपीट करो, कुछ लोग क्योंकि बाद में चीजें आती हैं पीछे देखते हैं, इसलिए सारी चीजें मैंने कंफर्म एकदम स्पष्ट बता दी। ठीक है, आप सभी को थैंक यू वीडियो लाइक और शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।